हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो एनसीईआरटी की जो सीरीज़ है उसमें नेक्स्ट चैप्टर मैं यहाँ पे कवर कराऊंगी, साइंस की क्लास सिक्स का सेकंड चैप्टर जो कि है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। ठीक है, इसमें मैंने सारे के सारे पॉइंट्स हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से समराइज कर दिया है और जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स बचते हैं उसको भी मैंने इसमें करवा दिया है। तो आप लोगों को समरी भी मिल जाएगी और लास्ट में जा करके जो फैक्ट्स हैं वो भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ फूड जो चैप्टर है उसमें न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स हम अपने फूड में लेते हैं वो होते क्या हैं। ईच डिश इज़ यूजुअली मेड अप ऑफ वन और मोर इंग्रेडिएंट्स। दीज इंग्रेडिएंट्स कंटेन सम कंपोनेंट्स दैट आर नीडेड बाय आवर बॉडी। देखो, सारी डिशेज जो बनती हैं ना, जो घर पर हम लोग खाते हैं, वो एक या एक से ज़्यादा सामग्री से बनी होती है और उन सामग्री में वो सारे कंपोनेंट, वो सारे तत्व पाए जाते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत, जिनकी हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ठीक है, तो इन सभी तत्वों को, इन सभी कंपोनेंट्स को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। अब बात आती है मेजर न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। तो यहाँ पे देखो, मेजर न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, तो मेजर न्यूट्रिएंट्स में सबसे पहले आता है कार्बोहाइड्रेट, फिर आता है प्रोटीन, फिर फैट्स, फिर विटामिंस, फिर मिनरल्स। अब देखो, मैंने जैसा बताया था पिछले लेक्चर में कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनकी हमारे बॉडी को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। ठीक है, जो मैक्सिमम अमाउंट में हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं। ठीक है, उन न्यूट्रिएंट्स को क्या कहते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। और ये कौन कौन से हैं, ये हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट्स। ये तीनों क्या हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। अब बात आती है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की, तो जिन न्यूट्रिएंट्स की हमारे बॉडी में कम मात्रा में हमारी बॉडी को नीड होती है उसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में क्या क्या आता है, मिनरल्स और विटामिंस। ठीक है, हाँ, कुछ ऐसे मिनरल्स हैं जो कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आते हैं, बट वो बहुत ही एक्सेप्शनल केस है, जबकि जनरली हम मिनरल्स को माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में लेके चलते हैं। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब क्या है कि एनसीईआरटी में आ गए, यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स के बारे में बताने के बाद टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट दिया है। जैसे हम जो भी फूड खाते हैं, जो भी चीज़ें खाते हैं, उसमें कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, सारी चीज़ें मौजूद होती हैं, सारे कंपोनेंट्स होते हैं। तो भैया, अब ये पता कैसे लगाएंगे कि उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, कौन कौन से नहीं हैं। तो यहाँ पे टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट देखते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट के टेस्ट करने के लिए सबसे पहले देखो, फूड लेंगे, जो चीज़ें खानी है उसको लेंगे, उसमें क्या करेंगे, 2 से 3 ड्रॉप आयोडीन सॉल्यूशन मिला देंगे। ये देखो, ये चीज़ ध्यान देने वाली है कि आयोडीन सॉल्यूशन यूज़ होता है किसमें, कार्बोहाइड्रेट के टेस्ट में। ठीक है, उसके बाद कलर चेंज हो जाता है। कलर चेंज होने के बाद हम लोग क्या देखते हैं कि अगर ब्लू ब्लैक कलर आता है, अगर काला और नीला कलर आता है, तो वहाँ पर कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है। ठीक है, और अगर नो कलर आता है, कोई भी कलर नहीं आता है, तो वहाँ पर कार्बोहाइड्रेट एब्सेंस होता है। ठीक है, एब्सेंट होता है, कार्बोहाइड्रेट वहाँ पे नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या देखा हमने, आयोडीन सॉल्यूशन फूड में मिलाते ही अगर ब्लू ब्लैक कलर आया तो प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट है, और अगर कलर नहीं आया तो वहाँ पे कार्बोहाइड्रेट नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट के टेस्ट के बाद हम प्रोटीन पे आते हैं। प्रोटीन का कैसे करते हैं, प्रोटीन का टेस्ट करने के लिए फूड में क्या मिलाते हैं, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन मिलाते हैं, 2 ड्रॉप ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन और 10 ड्रॉप्स ऑफ कॉस्टिक सोडा। कॉस्टिक सोडा को क्या कहते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, याद कर लो। ये फैक्ट्स कभी कभी पूछ दिए जाते हैं कि कॉस्टिक सोडा को का जो केमिकल फॉर्मूला है क्या है, NaOH। ठीक है, तो फूड में जब हम लोग 2 ड्रॉप कॉपर सल्फेट मिलाते हैं और 10 ड्रॉप्स कॉस्टिक सोडा मिलाते हैं, तो फिर हम जब देखते हैं तो उसमें अगर वॉयलेट कलर आया है, अगर बैगनी रंग की वहाँ पे बैगनी रंग दिखता है हमें, तो मतलब कि प्रोटीन प्रेजेंट है, और अगर कोई कलर चेंज नहीं दिखता है तो प्रोटीन नहीं है। ठीक है, प्रोटीन वहाँ पे नहीं है। तो कार्बोहाइड्रेट में हम लोगों ने क्या मिलाया था, आयोडीन, और प्रोटीन में हम लोग क्या मिलाएंगे, कॉपर सल्फेट और कॉस्टिक सोडा। अब बात आती है फैट की, इसका तो बहुत ही ईजी है। हम कोई भी फूड आइटम जिसमें फैट होता है, जो बहुत ही ज़्यादा फैटी होता है, स्पाइसी होता है, जैसे ब्रेड को जब हम लोग बटर लगा के सेकते हैं, तो उसके बाद उसको जब आप रैपर में ऊपर से ऐसे रैप करोगे, तो उसमें स्मॉल स्मॉल ऐसे क्रश करोगे, तो उसमें उस पेपर पे ऑयली पैचेस दिखाई देते हैं, उन ऑयली पैचेस की वजह से वहाँ पे पता चलता है कि वहाँ पे फैट है। यही बात यहाँ कही गई है। फूड को जब हम लोग पेपर में रैप करते हैं और उसको क्रश करते हैं, मतलब दबाते हैं, पेपर में रैप करके दबाते हैं, तो ऑयली पैचेस अगर दिखाई देते हैं, मतलब कि फैट प्रेजेंट है। अब देखो, अब क्या है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट्स, ये जो हमारे खाने में मौजूद होते हैं, ये एक्चुअली क्या करते हैं और क्या होते हैं। तो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कार्बोहाइड्रेट क्या है, एनर्जी प्रोवाइड करता है हमारी बॉडी को, क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। फैट भी हमारी बॉडी को क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। इसीलिए इन दोनों को हम लोग क्या कहते हैं, एनर्जी गिविंग फूड। ठीक है,
याद कर लो, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम्स में पूछता है कि कौन कौन से तत्व, कौन कौन नीचे दिए गए तत्वों में से कौन कौन से तत्व एनर्जी गिविंग होते हैं। तो तुम्हारा कार्बोहाइड्रेट और फैट अगर वहाँ दिखाई देगा तो तुरंत उसको टिक कर देना। अब बात आती है प्रोटीन्स की, तो प्रोटीन क्या है? ये हमारी बॉडी में रिपेयरमेंट का काम करता है और ग्रोथ का काम करता है। हमारी बॉडी की ग्रोथ और रिपेयर के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? बॉडी बिल्डिंग फूड। तो प्रोटीन क्या हो गया? बॉडी बिल्डिंग फूड। कार्बोहाइड्रेट क्या हो गया? एनर्जी गिविंग फूड। और फैट क्या हो गया? एनर्जी गिविंग फूड। ठीक है, अब बात आती है विटामिन्स की। विटामिन्स क्या है? तो विटामिन प्रोटेक्टिंग बॉडी अगेंस्ट डिजीजेस एंड कीपिंग अस हेल्दी। ये हमारी बॉडी को बीमारियों से लड़ने की क्षमता हमारे बॉडी के अंदर विकसित करते हैं, हमारे शरीर के अंदर बीमारियों से लड़ने की क्षमता विकसित करते हैं। ठीक है, विटामिन्स। और जो मिनरल्स होते हैं, ये प्रॉपर ग्रोथ एंड टू मेंटेन गुड हेल्थ, हमारी अच्छी शारीरिक हेल्थ को अच्छा करने के लिए ये यूज़फुल होते हैं और प्रॉपर ग्रोथ होता रहे बॉडी में इसके लिए यूज़फुल होते हैं। तो सारे फैक्ट्स यहाँ से क्लियर हो गए होंगे। अब देखो ये दो फैक्ट्स उसमें दिए हुए हैं NCERT में कि फूड कंटेनिंग फैट एंड कार्बोहाइड्रेट आर एनर्जी गिविंग फूड, अभी मैंने बताया, और फूड कंटेनिंग प्रोटीन्स आर बॉडी बिल्डिंग फूड, अभी मैंने बताया। ये सारे नोट्स प्रॉपर तरीके से बनाते चलना। इसके अलावा उस चैप्टर को NCERT उठाने की आप लोग को जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि उससे एक्स्ट्रा ही फैक्ट्स इसमें आप लोग को मिल रहे हैं। ठीक है, अब डाइट्री फाइबर क्या होता है? डाइट्री फाइबर के बारे में वहाँ पे दिया हुआ है NCERT में, जिसे हम रफेज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रफेज। ठीक है, ये क्या होता है? ये मेनली हम लोगों को प्लांट प्रोडक्ट से मिलता है, जो चीज़ हम लोग खाते हैं जो पौधों से मिलती हैं उनसे रफेज मिलता है ज़्यादातर। ठीक है, ये क्या करता है? ये हमारे शरीर में जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, प्रॉपर डाइजेशन के बाद भी जो फूड डाइजेस्ट नहीं होता है, उसको निकालने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए ये बल्क इंक्रीज कर देता है, जिसके द्वारा डाइजेशन की प्रोसेस ईजिली हो जाती है। ठीक है, तो डाइट्री फाइबर का काम डाइजेशन में होता है। सोर्सेज में अगर हम लोग देखें तो सोर्सेज में यहाँ देखो, होल ग्रेन्स, पल्सेस, दाल, आलू, फ्रेश फ्रूट्स, ताजे ताजे फल, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो रफेज का काम करती हैं हमारी बॉडी में अनडाइजेस्टेड फूड से, टू गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। अब भाई वाटर की बात होती है, सबको पता है वाटर बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है हमारी बॉडी के लिए। तो ये क्या करता है? टू हेल्प एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड ऑल्सो एक्सक्रीट वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ स्वेट एंड यूरिन। ठीक है, ये क्या करता है? हमारे बॉडी में जो न्यूट्रिएंट्स जाते हैं, जैसे हम चीज़ें खाते हैं तो न्यूट्रिएंट्स हमारे शरीर में जाते हैं, वो कैसे अब्जॉर्ब होंगे, कैसे अब्जॉर्प्शन होगा उसका? वो वाटर के थ्रू होता है। ठीक है, और जो एक्सक्रीटरी सिस्टम के द्वारा, जो हमारे शरीर में एक्सक्रीटरी सिस्टम है, जो वेस्ट मटेरियल उसके द्वारा निकलता है, उसको ये यूरिन और पसीने, जिसको स्वेट कहते हैं, उसके फॉर्म में हमारे शरीर से बाहर निकालने के लिए सहायक होते हैं। ठीक है, कुछ और भी फैक्ट्स देख लेते हैं। अब देखो, कभी कभी हम लोग कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा ले लेते हैं। ठीक है, उस केस में क्या होता है कि हमारी बॉडी में वेट बढ़ जाता है, वो ओबेसिटी की कंडीशन होती है, जिसे मोटापा कहते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि फैट आर एसेंशियल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन ADEK इन आवर बॉडी। अब फैट जो होता है वो भी ज़रूरी होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये एब्जॉर्ब करता है किसे? विटामिन ADEK को। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर ध्यान देना। अब देखो, अब प्रोटीन मॉलिक्यूल इज़ मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉलर मॉलिक्यूल कॉल्ड अमीनो एसिड। तो प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन जो एक जो प्रोटीन मॉलिक्यूल होता है उसमें कई सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, किसके? अमीनो एसिड के। ये फैक्ट भी याद कर लेना। उसके बाद बात आती है, ब्लड में भी प्रोटीन पाया जाता है। किस फॉर्म में पाया जाता है? हीमोग्लोबिन के फॉर्म में पाया जाता है। जब हम लोग ब्लड टेस्ट कराए जाते हैं तो हीमोग्लोबिन की मात्रा उसमें जांची जाती है, वही हीमोग्लोबिन क्या होता है? प्रोटीन का एक फॉर्म होता है। ठीक है, हमारे ब्लड में डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट जब हमारी बॉडी में हो जाती है, जब उसकी कमी हो जाती है, तो उसको क्या कहते हैं? प्रोटीन एनर्जी मॉल न्यूट्रिशन। ठीक है, इस बीमारी को क्या कहते हैं? प्रोटीन एनर्जी मॉल न्यूट्रिशन, PEM इसका ये फुल फॉर्म है। ठीक है, इसमें दो रोग जो बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं वो ये दोनों हैं। इसमें क्या होता है कि आपकी स्किन क्रैक्स हो जाते हैं, आपका एब्डोमेन सूज जाता है, आपकी बॉडी थिन हो जाती है, और आपका पैर और हाथ हद से ज़्यादा पतला हो जाता है इन बीमारियों में। ठीक है, अब बात आती है विटामिन्स की। तो विटामिन की बात में ये क्या है कि ये जो टर्म था वो एक बायोकेमिस्ट ने दिया था, जिनका नाम था कैसिमिर फंग। ठीक है, ये चीज़, ये फैक्ट याद कर लेना। अब जो विटामिन में फैट सॉल्यूबल, जो फैट में सॉल्यूबल विटामिन है, जो विटामिन फैट में सॉल्यूबल होता है, वो होता है विटामिन ए और विटामिन डी। वाटर में सॉल्यूबल विटामिन होता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी। ठीक है, ये याद कर लेना एकदम अच्छे से। अब भाई हम जो डेली खाना खाते हैं उसमें ज़रूरी नहीं है कि हम एक चीज़ बहुत ज़्यादा खा लें, एक चीज़ बहुत कम खा लें तो पेट भी भर जाए और लोग कहें कि हमने पूरा खाना खा लिया। नहीं, बैलेंस डाइट का मतलब होता है कि प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी में जा रहे हैं, जितनी की आपकी बॉडी को नीड है,
सारे के सारे तत्व आपकी शरीर को मिलने चाहिए, उसे हम लोग क्या कहते हैं, बैलेंस डाइट कहते हैं, ठीक है। फूड प्रिजर्वेशन, फूड प्रिजर्वेशन क्या होता है, हमारे घर में जो पैक्ड चीज़ें आती हैं, जो कि पैकेट्स में आती हैं, उसके अंदर जो खाने की चीज़ें होती हैं वो ख़राब क्यों नहीं होती हैं, क्योंकि उनके अंदर फूड प्रिजर्वेटिव्स पड़े होते हैं, ठीक है। सोडियम बेंजोएट, जो हम लोग सॉफ्ट ड्रिंक लेते हैं, हाँ, और भी कई सारे एसिडिक फूड लेते हैं, उसके अंदर क्या पड़ा होता है, उसके अंदर सोडियम बेंजोएट एज अ फूड प्रिजर्वेटिव पड़ा होता है ताकि वो ख़राब ना हो। ऐसे ही जब हम लोग बात करते हैं जैम की, जो हम लोग फ्रूट जैम खाते हैं, उसमें क्या पड़ा होता है, सोडियम मेटाबाइसल्फेट या फिर पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट, ठीक है। तो यहाँ बात आ गई सोडियम मेटाबाइसल्फेट का फॉर्मूला क्या, Na2S2O5 और पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट सल्फाइट, सॉरी ये सल्फाइट है, ध्यान देना, हाँ, सोडियम मेटाबाइसल्फाइट और पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइट, इसका फॉर्मूला भी यहाँ दिया हुआ है। फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला इतना तो पूछता नहीं है, बट हाँ एक बार ध्यान दे देना, ठीक है। अब बात आती है ऐसी चीज़, बेक्ड फूड, इन सब में भी सॉर्बिक एसिड और उसके सॉल्ट पाए जाते हैं। स्पाइसेस और नट्स की बात करें, मसाले और ड्राई फ्रूट्स की बात करें, नट्स की बात करें, तो उसमें एपॉक्साइड और इथाइल फॉर्मेट मिलाया जाता है एज अ फूड प्रिजर्वेटिव, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट में, ये देखो ये ऐसे ही फैक्ट दिया हुआ है NCERT में कि विटामिन्स एंड मिनरल्स डिफर इन बेसिक वेज। विटामिन जो होते हैं वो ऑर्गेनिक एंड कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन बाई हीट, एयर और एसिड, ठीक है। विटामिन्स जो होते हैं वो ऑर्गेनिक होते हैं और उनको हीट, एयर और एसिड से ब्रेक नहीं किया जा सकता है, जबकि मिनरल जो होते हैं वो इनऑर्गेनिक होते हैं और उनकी अलग, उनका केमिकल स्ट्रक्चर होता है, उनका अलग केमिकल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। द मिनरल्स इन सॉयल एंड वाटर ईजली फाइंड देयर वे इन टू योर बॉडी थ्रू द प्लांट्स, फिश, एनिमल्स एंड फ्लूइड यू कंज्यूम। यहाँ पे मिनरल और विटामिन के बारे में थोड़ा सा डिफरेंस बताया गया है, इसको नोट डाउन कर लेना, इसे फैक्ट्स बना के पूछ भी सकते हैं। यहाँ पे ये जो इनऑर्गेनिक और यहाँ पे ब्रोकन की बात की गई है, इससे रिलेटेड। चलो अब इसके बाद डिफिशियंसी के और डिसऑर्डर के बारे में उसमें दिया है कि किसी भी चीज़ की डिफिशियंसी हो जाती है, मान लो विटामिन ए, विटामिन बी, सी, अगर इन चीज़ों की डिफिशियंसी हो जाती है बॉडी में, या मिनरल्स की जैसे आयोडीन, आयरन, फॉस्फोरस, इन सब चीज़ों की, तो हमारी बॉडी में क्या, कौन सी डिजीजेज होते हैं और क्या होते हैं। तो सबसे पहले बात आती है विटामिन ए की। विटामिन ए से क्या होता है, लॉस ऑफ विजन हो जाता है, ठीक है। अब विटामिन B1 से क्या होता है, बेरी बेरी हो जाता है। सिम्टम क्या होता है, इसमें मसल्स बहुत वीक हो जाते हैं और लाइट एनर्जी टू वर्क, इसमें थकान बहुत ज़्यादा होती है। विटामिन सी की कमी से क्या होता है, स्कर्वी होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है, हमारे जो गम्स हैं, जो मसूड़े हैं, उसमें ब्लीडिंग होने लगती है, ठीक है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, जिसमें हमारी बोन जो है वो मुड़ जाती है और बहुत ही सॉफ्ट होने के कारण वो मुड़ जाती है। कैल्शियम की कमी से सबको पता है, बोन एंड टीथ डी के, हमारी हड्डियाँ बहुत ही कमज़ोर हो जाती हैं। आयोडीन की कमी से ग्वाइटर जो यहाँ पे थ्रोट में होता है, थ्रोट में एक ग्वाइटर की बीमारी होती है, वो हो जाती है। हमारे नेक पे जो ये ग्लैंड है यहाँ पे, वो फूल जाता है, सूज जाता है, ठीक है। उसके बाद आयरन की कमी से एनीमिया होता है, एनीमिया में बहुत ही ज़्यादा वीकनेस लगती है। अब यहाँ पे वही बात कही गई है, लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ केमिकल नेम भी दिया हुआ है, ठीक है, सबका नेम भी दिया हुआ है। विटामिन ए को क्या कहते हैं, रेटिनॉल, ये जरूर याद कर लेना कि सारे को क्या क्या हम लोग कहते हैं, ठीक है। विटामिन ए को रेटिनॉल कहते हैं। अभी इसके पहले ही मैंने बताया कि इसकी कमी से क्या होता है, आईसाइट हमारी वीक हो जाती है, तो जाहिर सी बात है इसमें क्या होगा, इसकी अगर विटामिन ए की मात्रा अच्छी होगी तो आईसाइट हमारी अच्छी होगी। और इसके सोर्सेज भी यहाँ दिए हुए हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, कैरेट और टोमेटो, पम्पकिन, ये सारी चीज़ें। डिफिशियंसी से क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है, ठीक है। इसका भी यहाँ पे डिफाइन किया गया है कि नाइट ब्लाइंडनेस किसे कहते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर के इसको अच्छे से नोट डाउन करके पढ़ लेना। अब देखो विटामिन B1 को क्या कहते हैं, थायामिन, ठीक है, थायामिन कहते हैं। ये क्या होता है, प्रेगनेंसी के टाइम में ग्रोथ के लिए बहुत ही एसेंशियल होता है। इसका जो सबसे बड़ा सोर्स होता है वो होता है मिल्क, ठीक है, दूध इसका बहुत बड़ा सोर्स होता है। अब इसमें क्या होता है, इसकी कमी से क्या होता है, बेरी बेरी हो जाता है, बेरी बेरी जो बीमारी होती है वो इसकी कमी से हो जाती है। अब विटामिन B2 को क्या कहते हैं, राइबोफ्लेविन, ठीक है। इसके बारे में भी यहाँ पे पूरा डिस्क्राइब किया हुआ है, स्किन डिजीज़ होती है इसकी कमी से। विटामिन B9 जिसको फोलिक एसिड कहते हैं, ये हाँ ये इम्पॉर्टेंट है, ये क्या करता है, RBC के जो रेड ब्लड सेल होते हैं हमारे ब्लड में, उसके फॉर्मेशन में ये हेल्प करता है। इसकी कमी से क्या होता है, एनीमिया होता है। और इसके बहुत बड़ा सोर्स क्या होता है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और स्प्राउटेड बीन, ठीक है, जो स्प्राउटेड बीन्स होते हैं वो इसके बहुत बड़े सोर्स होते हैं, ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। अब बात आती है विटामिन B12, उसके बाद विटामिन सी, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। तो ये क्या करता है, हेल्दी टीथ एंड गम्स
इम्प्रूव एपिटाइट, हमारे दांतों को, मसूड़ों को ये बहुत ही हेल्दी बनाता है और एपिटाइट को इम्प्रूव करता है। इसका सबसे बड़ा सोर्स क्या होता है, जो खट्टे फल होते हैं ना, जैसे आंवला हो गया, लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, इन सबका रस इसका बहुत बड़ा सोर्स होता है। और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है, हमने इसके पहले भी पढ़ा था। अब विटामिन डी की बात करें तो इसका केमिकल नेम ये रहा, कैल्सिफेरॉल। अब ये क्या करता है, ये नॉर्मल ग्रोथ ऑफ बोन्स एंड टीथ, ये बोन्स और टीथ की नॉर्मल ग्रोथ में हेल्पफुल होता है। इसका क्या क्या इसके सोर्स है, मिल्क, फिश, लीवर ऑयल, एक्स, एक्सपोजर टू सन। हाँ, विटामिन डी का सबसे बड़ा सोर्स जो होता है वो सनलाइट होता है, इसको ध्यान देना तुम लोग। और इसकी कमी से क्या होता है, रिकेट्स होता है, रिकेट्स नामक बीमारी होती है। इसमें क्या होता है, ट्विस्टेड सॉफ्ट बेंट बोन्स, इसके पहले अभी मैंने बताया था, ठीक है। तो इसके बाद बात आती है विटामिन ई की, जिसको कहते हैं टोकोफेरॉल। विटामिन ई को क्या कहते हैं, टोकोफेरॉल, इसके बारे में भी पूरा दिया हुआ है। इसको इसके कमी से रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर होता है। अब विटामिन के बारे में भी दिया हुआ है, ये पूरा पढ़ लेना और प्रॉपर तरीके से नोट्स बना लेना। ये आप लोग को कुछ एक्स्ट्रा जानकारी दी गई थी जो कि एनसीईआरटी में नहीं दी गई है, फिर भी आप लोग जानिए क्योंकि आप लोग ऑलरेडी विटामिन्स और मिनरल्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इसके अलावा आप लोगों को कुछ भी कहीं से भी कोई फैक्ट पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे की क्लासेस में इस बारे में बहुत सारे जो भी मिलते हैं, जो भी फैक्ट्स मिलते हैं, उसमें आप लोगों को सारे के सारे चीज़ें कराएंगे। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल।